तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। वे यहां पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भाबू की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही राजेंद्र भाबू का नामांकन दाखिल करवाने के लिए साथ जाएंगे। नामांकन सभा की तैयारियों का जिम्मा जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने संभाल रखा है। समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी, इसमें न केवल मुख्यमंत्री बल्कि सूबे के कई मंत्री बीजेपी के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर राजेंद्र भाबू को आशीर्वाद देंगे। आपको बता दें कि 11 साल बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, जो बीजेपी के लिए एक सुखद संकेत है। सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत करने के बाद बगावत करने वाले बबलू चौधरी डॉक्टर कमलचंद सैनी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इससे बीजेपी की स्थिति यहां पर मजबूत हो गई मानी जा रही है। झुंझुनू में माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं 24 तारीख को नामांकन सभा में उसको लेकर जो सभा स्थल है उसका निरीक्षण किया गया है। वहां मंच की व्यवस्था देखी गई है, कार्यकर्ताओं के सिटिंग अरेंजमेंट को देखा गया है, टेंट व्यवस्था देखी गई है, जो ट्रैफिक है गाड़ियों की व्यवस्था देखी गई है और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे हम लोग इसको ऐतिहासिक बना सके, सफल बना सके।